अच्छा वही, अब देखो कंट्रोलर में पावर आ गई है, ठीक है, ठीक है। कंट्रोलर पे लिखा हुआ है जनरेटर एट रेस्ट, कि जनरेटर इस वक्त रेस्ट मूड पे है, चल नहीं रहा, ठीक है। और कौन सा मूड है? स्टॉप मूड है, ठीक है। ये मैनुअल मूड है, ठीक है। ये ऑटो मूड है, अगर अभी मैं ये बटन दबाता हूँ तो इधर लिखा हुआ आएगा ऑटो मूड और ये एकदम से इसको स्टार्ट कमांड दे देगा, ठीक है। ये दबाएंगे तो आएगा मैनुअल मूड, ये देखो, हाँ मैनुअल मूड, ठीक है। इसके साथ अगर इससे स्टार्ट करना है हमें, हाँ, तो ये दबा के ये बटन दबाएंगे, ठीक है, तो इंजन स्टार्ट होगा। खाली इसको दबाने से सिर्फ मैनुअल मूड सेलेक्ट होगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसको दबाएंगे तो ये ऑटो मूड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक चलेगा दोनों एक साथ करके, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। अंदर इसके जो चीजें हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। जो भी चीज हमें करनी है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हमें रनिंग आवर चेक करने हैं सर्विस के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें कैसे अंदर जाना है? पहले हम दबाएंगे इस राइट हैंड वाले बटन को, ठीक है। अच्छा देखो, इसके बारे में मैं बटनों के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये जो चार बटन है ये सेम लाइक ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। इसको कहते हैं नेविगेशन, नेविगेशन यानी राइट जाना इधर, लेफ्ट जाना इधर, अप डाउन जाना इधर, ठीक है, ठीक है। और एंटर के लिए ये है, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये सबसे पहले ये स्क्रीन आ रही होती है स्टेटस की स्क्रीन, ठीक है। अब मुझे इंजन के पैरामीटर देखने, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं, हमने देखा कि हमारे पास इंजन है, हमारे पास अल्टरनेटर है, जी। तो इंजन के पैरामीटर हमें इंजन के सेक्शन में दिखेंगे, ठीक है। इंजन कितनी स्पीड पे चल रहा है वो यहाँ पे बताएगा, जब ये चल रहा होगा तो यहाँ पे बताएगा कि इंजन की स्पीड कितनी है, 1800 RPM होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये ऑयल प्रेशर बताएगा, जो इंजन के अंदर हमने ऑयल डाला है, जब वो किस प्रेशर से चल रहा है अंदर, ठीक है, वो प्रेशर यहाँ बताएगा, ठीक है। उसके बाद ये कूलेंट टेम्परेचर बताएगा, जो कूलेंट हमने रेडिएटर में डालते हैं उससे अगर इंजन ठंडा नहीं हो रहा, गर्म हो रहा है, तो वो यहाँ पे टेम्परेचर बताएगा। ये नॉर्मली 86 से 90 के दरमियान में होता है नॉर्मली, ठीक है। ज्यादा पे जाएंगे तो वो फिर 100 पे ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये भी बैटरी वोल्टेज बता रहा है, ठीक है। जब जनरेटर चल रहा होगा तो ये भी बताएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डायनामो लगा हुआ है, हाँ हाँ। वो डायनामो जब चल रहा होगा तो उसके साथ साथ ये दिखाएगा यहाँ पे चार्जिंग वोल्टेज भी, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये है रनिंग आवर, ठीक है। जब हमारे, अब देखो यहाँ पे 00 है क्योंकि न्यू जनरेटर है ना, हाँ 00। जब यहाँ पे अभी 50 घंटे हो जाएंगे तो हम सबसे पहले ऑयल फिल्टर और ऑयल चेंज कर देंगे, और फ्यूल फिल्टर भी सेफ साइड चेंज कर देंगे, सही है, ठीक है। और फिर उसके बाद 50 के बाद जब 300 घंटे हो जाएंगे तो फिर हम एक सर्विस करेंगे जिसमें ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, वाटर सेपरेटर और ऑयल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम चेंज करेंगे। फिर उसके बाद जब 550 हो जाएंगे फिर करेंगे, फिर उसके बाद जब 800 हो जाएंगे, इसी तरह 250 घंटे पे हम इसको चेंज करेंगे, सही है। अगर 250 घंटे नहीं होते और ये जनरेटर रेस्ट पे चला जाता है, हाँ। और उसके 6 महीने के बाद दोबारा दूसरे जगह पे जाके स्टार्ट होता है, तो फिर भी स्टार्ट करने से पहले हमें सर्विस करनी है, ठीक है, क्योंकि 6 महीने अगर फिल्टर ऑयल के अंदर रहेगा या डीजल के अंदर रहेगा तो वो खराब हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये हो गई कहानी इंजन की। अब देखो ये फ्यूल लेवल बता रहा है, लेकिन अभी हम एक्सटर्नल टैंक यूज कर रहे हैं तो हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट है, ठीक है। ये इंजन का ऑयल टेम्परेचर है, ठीक है। ये इंजन का कूलेंट प्रेशर है, अंदर किस प्रेशर से कूलेंट घूम रहा है। ये फिर इनलेट का टेम्परेचर है, जो हवा अंदर जा रही है, ठीक है, उसका टेम्परेचर है, ठीक है। सही। फिर एग्जॉस्ट कितनी हो रही है, जो टर्बो से बाहर निकल रही है हवा, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है। फिर इंजन के फ्यूल का टेम्परेचर कितना है, कभी ये बहुत ज्यादा गर्मी में पड़े हुए डीजल टैंक आपके, उसकी वजह से जो टेम्परेचर अंदर जा रहा है फ्यूल के वो कितना है वो भी बताएगा आपको ये। फिर उसके बाद टर्बो का प्रेशर कितना है, जो टर्बो मैंने आपको दिखाया था ना, टर्बो घूम रहा है, प्रेशर उसका प्रेशर कितना है वो भी बताएगा ये, सही। फिर उसके बाद इंजन में फ्यूल प्रेशर, किस प्रेशर से फ्यूल जा रहा है वो भी बताएगा यहाँ पे। उसके बाद कितना कंजम्पशन हो रहा है फ्यूल का वो भी यहाँ पे बताएगा। उसके बाद कितना फ्यूल अभी तक यूज हो चुका है, 25 लीटर यूज हो चुका है इसमें, ठीक है। और उसके बाद ये है रेफरेंस टॉर्क इंजन का, ये हमारे से रिलेटेड नहीं, ये बहुत ज्यादा उसमें ज्यादा चले जाता है इंजीनियरिंग में, डिटेल में ना, ये जब वो कंपनी वाले आएंगे कोई प्रॉब्लम होगा तो वो चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऐसा एज सच कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे जनरेटर में, ठीक है। जनरेटर क्या है, जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर में दो किस्म के वोल्टेज पैदा हो रहे हैं, एक लाइन टू न्यूट्रल, एक लाइन टू लाइन, ठीक है। लाइन टू न्यूट्रल का मतलब है कि एक लाइन ये लाइन कहलाती है, रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ठीक है। इसके साथ जब एक न्यूट्रल के साथ हम चेक करेंगे मीटर पे तो वो ये वाले वोल्टेज होंगे, कौन से वाले, ये वाले,
लाइन टू न्यूट्रल, यानी कि L1 कौन सी है, रेड। ये देखो L1 पे रेड लगा हुआ है। हाँ। इसके साथ रेड के साथ ब्लैक होगी तो ये L1 के वोल्टेज है। रेड के साथ येलो के साथ ब्लैक चेक करोगे तो ये L2 के वोल्टेज हो जाएंगे। L3 के साथ न्यूट्रल चेक करोगे तो ये Line 3 के वोल्टेज हो जाएंगे। सही है। उसके बाद आती है चीज नेक्स्ट, Line 1 के साथ Line 2 के वोल्टेज, यानी फेस टू फेस वोल्टेज। सही है। Line 1 के साथ Line 2 पे मीटर लगाएंगे तो ये हमें Line 2 लाइन वोल्टेज देगा 400। ठीक है। इसके साथ लगाएंगे 400, इसके साथ और इसके साथ लगाएंगे तो 400, इसके साथ भी लगाएंगे तो 400, ये तीनों 400 है। सही। तो ये कहलाते हैं लाइन टू लाइन। देखो Line 1, Line 2, Line 2, Line 3, फिर Line 3, Line 1। ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। सही। यहाँ पे जनरेटर की फ्रीक्वेंसी 60। ठीक है। उसके बाद है करंट कि कितना लोड चल रहा है इस वक्त तीनों फेजों पे। सही। हर फेज पे कितना है, लाइन वन पे कितना है, लाइन टू पे, लाइन थ्री पे कितना है। सही। ये इधर बताएगा कि इस लाइन पे कितना चल रहा है, इस पे कितना चल रहा है, इस पे कितना चल रहा है। ठीक है। इसी तरह ये अर्थ सिटी है, अर्थ सिटी यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है। फिर यहाँ पे है लोड किलोवाट। अब करंट को किलोवाट में भी हम देखते हैं कि कितने किलोवाट पे चल रहा है, तो यहाँ पे एक एक लाइन का किलोवाट बताया कितने लोड है, ये भी लोड से रिलेटेड है। ठीक है। कि कितने किलोवाट चल रहा है। फिर ये टोटल किलोवाट बताएगा तीनों के जमा करके कि टोटल इतने परसेंट पे, यहाँ पे कम से कम 30% होना चाहिए हमारे पास। ठीक है। 30% लोड हर जनरेटर के लिए, कोई भी जनरेटर है 30% उसकी रेटेड पावर के हिसाब से लोड होना चाहिए। सही। अगर कम पे चलेगा तो थोड़े अरसे के बाद इंजन स्मोक मारेगा, इंजन जल्दी खराब हो जाएगा, और मैक्सिमम 80% तक हम इसको ले जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें भी हमें सडन लोड नहीं डालना, स्लोली 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 लोड इंक्रीज करना है। कभी कभी होता है किसी साइडों पे उनके पास बड़ी मोटरें होती हैं, वो एकदम से फायर पंप स्टार्ट करते हैं, जनरेटर बंद हो जाता है, तो जनरेटर ओवरलोड हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे क्या है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये भी लोड है, लोड की परसेंटेज में बता रहा है कि इस पे इस लाइन पे कितने परसेंटेज लोड चल रहा है, इस पे कितने चल रहा है, इस पे। ये तकरीबन तीनों बैलेंस होने चाहिए, एक दूसरे के करीब होने। कभी ऐसा हो कि तुमने रेड फेस पे बहुत ज्यादा लोग चीजें लगा दी हैं और येलो और ब्लू पे कम लगाई हैं, ठीक है, बैलेंस लोड नहीं है, तो जनरेटर अनबैलेंस लोड पे भी ट्रिप हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, ओवर वोल्टेज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सही। तो इसलिए हमें हमेशा यहाँ पे जब भी हम कर लेंगे तो तीनों फेज के अम्पेयर चेक करने हैं, तीनों फेजों के वो देखना, बैलेंस बैलेंस करना है। अगर कोई चीज रेड पे ज्यादा जा रही तो उसको रेड से निकाल के दूसरे वाले को डिस्ट्रीब्यूट करना है दूसरे फेजों पे। सही। ताकि बैलेंस लोड चले। इसी तरह ये केवीए आ गए, केवीए भी वही चीज है, बैलेंस देखना है आपने। ये सारे ये पावर फैक्टर है, ठीक है, ये एवरेज पावर फैक्टर दिखाएगा, जब चल रहा होगा तो उसमें आपको सब कुछ दिखाएगा ये। ठीक है। ठीक है। इस तरह केवीआर है, फिर ये हो गया लोड डिमांड प्रायोरिटी नंबर वन है, ये नंबर वन जनरेटर है, वो वाला टू है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा ये जब सिंक्रोनोस्कोप हमारा जनरेटर चल रहा होगा उस वक्त दिखाएगा हमें ये।